back with chapter 3 of class 4. The subject is science. Now today I am going to explain chapter 3. The name of the chapter is digestive and excretory system. मतलब digestive मतलब पाचन और उत्सर्जन प्रणाली के बारे में हम लोग जानेंगे. हम लोग को जो खाना खाते हो कैसे पचता है और जो अपच खाना होता है ना पचा हुआ वो कैसे बाहर निकलता है उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको बताएंगे. तो बताने से पहले आपको ये बोल रहा हूँ क्लास फोर्थ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है. जब भी मैं व्हाट्सएप पे होमवर्क देता हूँ ग्रुप में कोई दिखाते नहीं है. एक दो बच्चे है वो उसको नाम भी मैं अब यहाँ नहीं दे पाऊंगा कि एक दो बच्ची है एक ही बच्चे है वो खाली वो दिखाती है तो बाकी क्लास फोर्थ के बाकी बच्चे एक्टिव नहीं है. इसलिए आप लोगों से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद जितने भी मैं फेर लिखवाता हूँ वो आप कम से कम उसको पूरा करिए. आप वीडियो नहीं देखोगे कोई बात नहीं है जब मैं फेर लिख के भेजता हूँ उसको तो आप पूरा करिए. इससे हम लोग को भी क्या होगा थोड़ा हम भी मोटिवेट होंगे कि बच्चे लिख रहे हैं और वीडियो बनाने का मन करेगा. लेकिन आप लोग जब एक्टिव नहीं रहोगे तो थोड़ा दुख लगता है. एनीवेज चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. तो नेम ऑफ द चैप्टर इज डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम. वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड ऑफ आवर बॉडी. तो हम लोग ने पहले ही पता लगा लिया है कि खाने के महत्वपूर्ण हमारे शरीर कितना महत्वपूर्ण है खाना हमारे शरीर के लिए. उस बारे में हम लोग ने इससे पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिए थे. तो एवरी डे वी ईट अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड. हम लोग हर रोज विभिन्न तरह के क्या खाते हैं खाना खाते हैं. द फूड दैट वी ईट कैन नॉट बी यूज बाय आवर बॉडी एज इट इज. जो खाना खाते हैं वो सब खाना क्या होता है हम लोग का जो शरीर होता है वो ग्रहण नहीं करता है. कुछ उसका कुछ अंश ग्रहण कर लेता है और कुछ नहीं करता है. इट इज ब्रोकन डाउन इन टू सिंपल सब्सटेंस सो दैट द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड कैन बी एब्जॉर्ब बाय द ब्लड. खाना में क्या होता है सिंपलर मतलब बहुत साधारण तत्व होता है उनमें से पोषक उसको जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं पोषक तत्व बोलते हैं वही पोषक तत्व क्या करता है ब्लड कैन बी एब्जॉर्ब बाय द ब्लड. खून में उसको क्या कर लेता है एब्जॉर्ब मतलब सोख लेता है. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड इन टू सिंपलर फॉर्म्स सो दैट दे कैन बी यूज बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन. द प्रोसेस जो प्रणाली ब्रेकिंग डाउन खाना को खाने के बाद उसको सिंपलर फॉर्म में जो बनवाता है सो दैट कैन बी यूज बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन. और जब वो पोषक तत्व तो जब ले लेता है शरीर ले लेता है उसी क्रिया को बोलते हैं पाचन क्रिया. डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए क्या होता है. द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आर कॉल्ड डाइजेस्टिव ऑर्गन. ऑफ द ऑर्गन्स इन्वॉल्व जो जितने भी अंग डाइजेस्टिव डाइजेशन में पाचन क्रिया में जितने भी सिस्टम जितने भी ऑर्गन्स अंग मौजूद है उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन मतलब पाचन अंग बोलते हैं उसको. द फूड वी ईट पासेस थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड गट और एलिमेंटरी कैनल. और जब हम जो खाना हम लोग खाते हैं वो खाना क्या होता है किस कहाँ से जाता है यहाँ पे इतना लंबा पाइप होता है. ठीक है. पाइप जैसा एक ट्यूब होता है उसको बोलते हैं एलिमेंटरी कैनल मतलब आहार नली. वहां से खाना नीचे की ओर जाता है. द फूड पासेस थ्रू मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गट. उसके बाद आस्ते आस्ते वो खाना बहुत सा जगह होती होती नीचे उतरता है. ड्यूरिंग इट्स जर्नी इट मिक्सेस विद स्पेशल कॉल्ड एंजाइम. अब जब खाना नीचे जा रहा होता है तो तब वहाँ पे एक स्पेशल जूस एक क्या होता है एक रस होता है जिसको बोलते हैं एंजाइम या हिंदी में किन्वक बोलते हैं उसके साथ वो मिल जाता है. विच हेल्प्स टू द ब्रेक डाउन द फूड वी ईट. द फूड स्लोली चेंजेस इन टू लिक्विड विच गेट्स एब्जॉर्ब बाय द बॉडी. उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते क्या होता है जो खाना हम लोग खाते हैं वो तरल में बदल जाता है और उसके बाद ही वो तरल को हम लोग का शरीर एब्जॉर्ब मतलब सोखता. दिस चेंज इज कॉल्ड डाइजेशन. इसी को बोलते हैं पाचन. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन
कैसे होता है, द वेरियस पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देयर फंक्शंस आर डिस्क्राइब्ड हियर। अब डाइजेशन जो पाचन प्रणाली कैसे होता है और कौन कौन से अंग से होकर गुजरता है वो अभी यहाँ पे बताएंगे। पहला नंबर में आता है माउथ, जो हम लोग मुंह, द टीथ चॉप च्यू एंड ब्रिंग द फूड इनटू स्मेलर पीसेस। मुंह के अंदर क्या होता है, दांत, और हम जितने भी खाना खाते हो क्या होता है, दांत से चबाते हैं। जब दांत से चबाते हैं तो क्या होता है, वो जो खाना छोटे 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 टुकड़ों में कणों में बदल जाता है। दस सालिवा प्रेजेंट इन आवर माउथ मिक्सेस विद द फूड एंड मेक्स इट सॉफ्ट एंड इजी टू स्वलो। और जो हम लोग का मुंह में जो लार या थूक रहता है वो क्या होता है, वो खाना के साथ मिक्स हो जाता है और उस खाना को नरम बनाता है, जिसकी वजह से हम लोग को वो खाना निगलने में आसानी होती है। इट्स हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, और यो इस माड़ी बनाने में भी ये मदद करते हैं, मतलब स्टार्च बनाने में भी। उसके बाद आता है ऑइसोफैगस और फूड पाइप, मतलब ग्रास नली बोलते हैं इसको। आफ्टर द फूड इज च्यूड वेल इन माउथ इट पासेस थ्रू द फूड पाइप इनटू द स्टोमैक। अब खाना जब हम लोग खाते हैं उसके बाद चबाते हैं, उसके बाद जब उसको निगलते हैं तो ये फूड पाइप ग्रास नली होके पेट पे पहुंचता है। उसके बाद आता है स्टोमैक पेट, इट इज मस्कुलर बैग, ये मांसपेशियों का एक बड़ा सा बैग जैसा होता है। विच रिलीजेस डाइजेस्टिव जूसेस, जहाँ से पाचक रस निकलती रहती है। द एसिड एंड द एंजाइम इन द स्टोमैक टर्न्स द स्मॉलर पीसेस ऑफ फूड इनटू अ पेस्ट। अब जो पेट में जो एसिड रहता है और जो एंजाइम रहता है उसमें जो खाना पहुंचा होता है उसमें मिक्स होके जो छोटे छोटे टुकड़े जो खाना पेट में पहुंचता है तो उसको क्या बोलता है, घोल में बदल देता है, पेस्ट में बदल देता है। उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत। अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल इज प्योर्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द लीवर व्हिच डाइजेस्ट फैट। अब डाइजेस्टिव जूस, जो पाचक रस था वो कहाँ पहुंचता है, पित्त पे पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द लीवर व्हिच डाइजेस्ट फैट्स, वो लीवर में पहुंचता है, लीवर में वहाँ पे क्या होता है, डाइजेस्ट फैट्स, मतलब जो वहाँ पे चर्बी वर्बी रहता है उसको पचाता है। द जूस ऑब्टेन फ्रॉम पैनक्रियास डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। उसके बाद जूस का सॉरी वो रस कहाँ पहुँचता है, पाचक रस पैनक्रियास मतलब अग्नाशय में पहुँचता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को वहाँ पे डाइजेस्ट पाचन होता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कम्प्लीटेड एंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जो प्रोसेस जो प्रणाली था पाचन करने का वो खत्म हो जाता है वहाँ पे। द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जितने भी न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होते हैं वो क्या होता है, एब्जॉर्ब बाय द ब्लड वेसल, जो रक्त वाहिकाएं होता है छोटी छोटी आंत में वहाँ पे वो रह जाता है। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब बढ़िया। द वेस्ट फूड दैट इज नॉट डाइजेस्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कम इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इट एब्जॉर्ब आफ्टर द फ्रॉम द फूड एंड फॉर्म फेसेस। अब क्या होता है, जो छोटी आंत में जो खाना ना पचा हुआ होता है वो पहुंच जाता है बड़ी आंत में, ठीक है। उसके बाद इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द फूड एंड फॉर्म फेसेस। उसके बाद क्या करता है, बढ़िया वहाँ से फूड से पानी को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है, और उसके बाद क्या बनता है, फेसेस मतलब मल बनता है, जो हम लोग मल तैयार करते हैं वो मल बनता है, ठीक है। उसके बाद होता है एन्यूस, मतलब गुदा मल द्वार। इट इज द लोअर एंड ऑफ द एलिमेंटरी कैनल, ये आहार नली का सबसे निचला हिस्सा है। मतलब आपको पहले दिखा दिया मौत, यहाँ से क्या निकलता है, सैलिवरी ग्लैंड्स मतलब सालिवा निकलता है, थूर या थूक या लार निकलता है। उसके बाद ये कहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे पहुँचता है। उसके बाद पेट में पहुँचता है, ठीक है। उसके बाद पैनक्रियास में पहुँचता है, उसके बाद छोटी आंत में पहुँचता है भीतर वाले, और छोटी आंत में जो चीज़ नहीं पचेगा वो बड़ी आंत से होते हुए हुए जहाँ पे आएगा एन्यूज मल द्वार में आके वो बाहर निकल जाता है। तो एन्यूज क्या है, आहार नली का सबसे निचला हिस्सा है। The feces pass out
आवर बॉडी थ्रू द न्यू जो मल रहता है फिर से एफ ए ई एफ ए ई सी ई एस ये हो गया आपका मल। क्या बोलते हैं इसको? मल जो शरीर से बाहर निकल जाता है बाद में। द फीसेस पास आउट ऑफ आवर बॉडी एवरी डे वेस्ट आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी व्हिच आर रिमूव विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटोरी सिस्टम। अब जो गंदगी होता है वो हर दिन हमारा शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है, और उत्सर्जी प्रणाली के मदद से वो बाहर निकलता है, ऐसे नहीं निकलता है। द प्रोसेस बाय व्हिच वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। तो प्रोसेस ये प्रणाली जिस प्रणाली की वजह से हमारे शरीर में जितने भी मैल है जो बाहर निकलता है उसको बोलता है एक्सक्रेशन, मतलब मल त्याग करना। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेड ऑफ टू किडनीज। हम लोग का जो उत्सर्जी प्रणाली है वो दो किडनी होता है, उसमें टू यूरेट्रस होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसमें मूत्राशय होता है, उसके बाद एंड यूरेथ्रा मतलब मूत्र मार्ग होता है, ठीक है। किडनीज आर टू बीन शेप ऑर्गन्स विच फिल्टर ब्लड टू फ्रॉम यूरिन। अब किडनी क्या होता है, यहाँ पे दोनों तरफ होता है और वो बीन्स के आकार का होता है, ऐसा ऐसा आकार का, ऐसा आकार, ऐसा आकार का, और ये कहाँ होता है, शरीर के यहाँ पे होता है। वो क्या करता है किडनी, क्या करता है, और विच फिल्टर ब्लड टू फॉर्म यूरिन, जो हमारा खून है उसको फिल्टर करता है और वहां से यूरिन बनाता है, मतलब पेशाब बनता है, ठीक है। तो यूरिन इज कैरीड फ्रॉम द किडनीज टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूरेटर्स, और यूरिन इज कैरीड फ्रॉम द किडनी, और किडनी से वो पेशाब यूरिन क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है यूरेटर्स, जिसे हम लोग करते हैं मूत्र मार्ग मूत्रवाहिनी, उससे होते वो निकलता है। दिस यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद कहाँ पे पहुंचता है, यूरिनरी ब्लैडर मतलब होता है आप मूत्राशय में पहुंचता है, वो कहाँ पहुंचता है मूत्राशय में, पहले पहुंचता है किडनी में, पेशाब जब बनता है उसके बाद मूत्रवाहिनी होते हुए वो मूत्राशय में पहुंचता है, ठीक है। एंड इट पासेस आउट ऑफ बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा, उसके बाद मूत्र मार्ग होके वो शरीर से बाहर निकल जाता है, मतलब पहले पेशाब कहाँ होता है, सही आपको मैं सही कुछ नहीं बता दू, पहले किडनी, उसके बाद होता है वो कहाँ पहुंचता है, यूरेटर्स पे पहुंचता है, यूरेटर्स पे पहुंचता है, उसके बाद वो यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है, और अंत में यहां से पहुंच के वो अंत में बाहर निकलता है, कहां से बाहर निकलता है, मूत्र मार्ग होते वो शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। पहले किडनी में पेशाब बनता है, उसके बाद मूत्रवाहिनी पहुंचता है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय में पहुंचता है, उसके बाद मूत्र मार्ग होके वो शरीर से बाहर निकल जाता है। स्वेट इज ऑल्सो अ वेस्ट प्रोडक्ट विच इज एक्सक्रेटेड थ्रू द स्किन। अब जो हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है वो भी क्या है, एक कचरा है, कूड़ा है, शरीर ये निकलना बहुत जरूरी होता है, और ये कैसे निकलता है, हम लोग का त्वचा के रास्ते निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एक्सहेल्ड थ्रू द नोज, उसके बाद जब हमारा श्वसन प्रणाली चलता है वहां पे क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को लेते और बदले में क्या एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। इट इज एसेंशियल टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी फॉर हेल्दी लिविंग। तो शरीर से अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर में जितने भी गंदगी है, जितने भी शरीर के अंदर गंदगी है उसको बाहर निकलना बहुत ही क्या है, जरूरी है। ये आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी पाचन
प्रणाली में जितने भी पाचन प्रणाली में जितने भी अंग आते हैं उसको बोलते हैं पाचन अंग। ठीक है, वो पाचन अंग पहले क्या होता है, पहले खाना खाते हैं, वो खाना एलिमेंट्री कैनल आहार नली में पहुंचता है। उसके बाद क्या होता है, द फूड पासेस थ्रू मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गट ड्यूरिंग द जर्नी, इट मिक्सेस विद स्पेशल जूस कॉल्ड एंजाइम। जब आहार आहार नली से नीचे जा रहा होता है तो उसमें एंजाइम मिक्स हो जाता है, व्हिच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड वेट, उसको नीचे जाने में मदद करती है और मतलब टुकड़ा टुकड़ा करने में मदद करती है। द फूड स्लोली चेंजेस इनटू लिक्विड व्हिच गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, उसके बाद आस्ते आस्ते जो खाना होता है वो तरल में बदलता है, जो तरल हमारा शरीर बाद में वो ग्रहण करता है। दिस चेंज इज कॉल्ड डाइजेशन, इसी जो चेंज को क्या बोलेंगे हम लोग, पाचन बोलेंगे। ठीक है, खाना को पहले खाते क्या होता है, रॉ होता है वो, मतलब क्या होता है वो पूरा सही आकार का होता है और जब मुंह के अंदर जाता है पहले उसको चबाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े में होता है, उसके बाद क्या होता है सलाइवा मतलब हम लोग का मुंह पे जो थूक या लार होता है उससे वो मिक्स होकर नरम बन जाता है और जब नीचे जाता है तो एंजाइम मिलता है और एंजाइम क्या करता है उसको और छोटे छोटे दाने में टुकड़े में परिवर्तन करने में मदद करती है। उसके बाद वो तरल में बदल जाता है और वो तरल क्या होता है, क्या होता है वो तरल हमारा शरीर उसको ग्रहण कर लेता है, बाद में जो खून है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी बदलाव को हम लोग क्या बोलेंगे, पाचन बोलेंगे। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैसे होता है, पहले मुंह माउथ से शुरू होता है, मुंह में क्या होता है दांत होता है, दांत क्या करता है जो खाना हम लोग मुंह में डालते हैं उसको छोटे 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 टुकड़ों में चबा के बदल देते हैं। उसके बाद जो मुंह में थूक रहता है लार रहता है उसको भिगा के वो नरम कर देते, नरम करने के बाद क्या होता है वो निगलने में आसान होता है ना। तो उसके बाद वो कहाँ पहुंचता है खाना, फूड पाइप मतलब ग्रास नली में पहुंचता है और ग्रास नली के बाद वो कहाँ पहुंचता है, सीधा पेट में पहुंचता है। और पेट में क्या होता है, पेट कैसा होता है, मस्कुलर बैग कैसा होता है जो कि हमेशा डाइजेस्टिव जूसेस मतलब पाचक रस छोड़ता रहता है जिसमें से एसिड और एंजाइम होता है, ये क्या करता है जो खाना पेट में पहुंचा होता है उसको पेस्ट मतलब घोल में बदल देता है। उसके बाद छोटी आंत में आता है, छोटी आंत में आने के बाद क्या होता है, छोटी आंत जितना एब्जॉर्ब करना है खाना को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसके बाद वो बड़ी आंत में पहुंच जाता है, बड़ी आंत में जो खाना ना पचा हुआ खाना बड़ी आंत में पहुंच जाता है और बड़ी आंत क्या करता है उसको खाना से पानी एब्जर्व करके वो जितने भी गंदगी है उसको फीसेस मतलब मल में बदल देता है। उसके बाद एन्यूज आता है जो उसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे मलद्वार, मलद्वार में क्या करता है ये एलिमेंट्री सिस्टम का सबसे निचला हिस्सा है, ये क्या करता है ये फीसेस को जो मल है उसको शरीर से बाहर निकलने में मदद करती है। उसके बाद आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो क्या होता है हम लोग रोज क्या करते हैं शरीर से अपना पसीना गंदगी मल बाहर निकलते हैं, तो ये हमारे शरीर में भी उत्सर्जी जो तंत्र है वो क्या है कैसे रहता है, वो किडनी होता है, पहले दो किडनी रहता है, दो किडनी क्या करता है मूत्राशय से पेशाब निकलता है वो कहाँ पहुँचता है अभी आपको बता दिया, पहले पहुँचता है किडनी, उसके बाद पहुँचता है यूरेथर्स जिसको हम लोग पता है मूत्रवाहिनी, उसके बाद पहुंचता है यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय में, उसके बाद यूरेथ्रा होके मूत्र मार्ग होके वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो दूसरा बात, हमारा शरीर से जो पसीना निकलता है वो भी क्या है एक वेस्ट प्रोडक्ट है मतलब गंदगी है, तो इसको भी शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो चीज हम लोग श्वसन हमारा जो श्वसन प्रणाली चलता है जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उसके बदले में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है एक गंदगी है जिसकी शरीर को कोई जरूरत नहीं होता है। तो बच्चों समझा दिया है, आपका काम वीडियो देखना है उसके बाद फेयर बनाना है। तो आज के लिए आप क्लास 4 के बच्चों के लिए इतना है, थैंक यू वेरी मच।